तो क्या हाल चाल है मेरे भाई लोगों, आ चुके एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। और ये वाले वीडियो में खेल रहे हैं ट्राई ओवरसीज स्क्वाड और उतर रहे हैं जॉर्ज पुल। और बंदे आपने अपनी आंखों से देख लिया है भाई, कम से कम 3 स्क्वाड कूदे हैं यहाँ पे और एक स्क्वाड कहीं अलग अपने ऊपर ऊपर होगी, उसको अपन ने नहीं देखा होगा। और जैसे कूदते हैं गन जाके मिलती है काफी देर ढूंढने के बाद इस वेरास में, और अब तैयारी थी हमारी रश करने के लिए। उतनी देर में पूरे जॉर्ज पुल में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और भाई बंदे एक दूसरे को भरने लग जाते हैं। और उतनी देर में मेरा टीममेट एक बंदे का नॉक कर, अब जैसे देखो रश करते जाते हैं, सामने मेरे एक बंदा बैठा हुआ रिवाइव दे रहा है, लेकिन भाई वो जब गेम खेल रहा तब मेरे को नहीं दिख रहा। जब नॉक करता है तब पता चलता है। उतनी देर में पीछे वाले बंदे मेरा हेल्प करते हैं और उसको नेड मार के खत्म कर देते हैं, और यहाँ मैं टोटली सेफ हो जाता हूँ। उसके बाद मेरा टीममेट मुझे रिवाइव देता है, और जिसने नेड मारा था भाई अब देखो मारना तो उसको भी पड़ेगा ही। बड़ा हरामी हो। तो ये होता है वो बंदा जिसने नेड मारा था, लेकिन हम फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। और उसके बाद अब बचे हैं बंदे जो कि सामने वेयरहाउस पे, और अब बारी थी उनको भी भरने की। हम थोड़ा सा इधर से आते हैं और ये एक मैं देता हूँ वीरस वाले को नॉक, और थोड़ा मिसफायर के लिए आई एम सॉरी। और एक बंदा और क्रॉस कर रहा है, उसको भी लो किया लेकिन अब वो वहां पे लेट चुका है, उसको किया नॉक। गाड़ी पे गोली टॉप 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 टॉप, और ये तीनों के तीनों होते हैं यहाँ पे डेड, और तुम्हारा भाई यहाँ पे इजीली क्लच कर जाता है। और एक बंदा जिसको नॉक किया था उसको भी फटाफट खत्म करते हैं। उसके बाद अब बारी थी लॉस्ट कंटेनर्स वाले बंदों की, और हम पूरा उन पे फ्लैंक वगैरह करके आ जाते हैं इधर। ये बंदे को गाइस याद रखना, इसको इतना डैमेज दूंगा ना मैं, साला मरता ही नहीं है, पता नहीं क्या हील लगा के बैठता है भाई ये बंदा। अब देखो इतने टाइम में इसने हील तो कर नहीं लिया होगा, वापस एक गोली लगी है याद रखना, मतलब कम से कम इसको 4-5 गोलियां लग चुकी हैं भाई M16। अब देखो वापस इस साइड से एंगल बनाता हूं मैं, लोकी बहन की चुपड़ा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोजड़ा। वापस एक गोली लगी है, बेंचो क्या लगा रहा है वहां बैठ के मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन उतनी देर में मेरा टीममेट घुस जाता है। अब देखो घुसना तो मुझे भी पड़ेगा आधी अधूरी हेल्थ लेके, और चूतिया तो तू है। ये वाले जंप शॉट के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब भाई लोग जरूर कर देना। उसके बाद आते हैं पोचिंग की स्क्वाड्स पे, और यहाँ हम चला देते हैं फ्लेयर। उतनी देर में पीछे बंदे आ जाते हैं और फ्लेयर लूटने वास्ते, अभी देखो क्या पेलते हैं इनको। सबसे पहले ये नॉक देखो, और उसके बाद एक बंदा नीचे से आ चुका है। अब याद रखना एक स्क्वाड अपने सामने घर में और एक स्क्वाड पीछे वेयरहाउस में भी आ चुका है ऑलरेडी। तो भाई अभी जो घमासान युद्ध होने वाला है ना भाई, उसके लिए यार देखो मुझे आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। अगर मैं यहाँ से निकल गया सारे बंदे मिलकर एक एक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। उतनी देर में जो बंदा बाहर गया था बेचारा, उसको वेयरहाउस वाले दे देते हैं, और भाई अब तो देखो गड़बड़ हो चुकी थी। और जो बाहर वाला बंदा था उसके पास ऑम होते हैं, तो भाई मैं बिना कुछ देखे उसको लूटने बैठ जाता हूँ। उतनी देर में जैसे लूट रहा था सामने से आता है ग्रेनेड, जैसे मेरे मुंह पे आता है भाई ये देखो ग्रेनेड आया, मैं ऑम उठाता हूँ, बिना एमो उठाए यहाँ से भगता हूँ, और फाइनली यहाँ पे बच जाता हूँ उस ग्रेनेड से। और जैसे आता हूँ इस साइड ये वाले बंदों को मारने के लिए, वेयरहाउस एक बंदा दिखता है, तो देखो सबसे पहले तो उसी को देंगे क्योंकि भाई वो वेयरहाउस से पीछे से मार सकता है मेरे को। पट से हेडशॉट बोलते मेरे बेटे, जैसे भाई साहब ये भाई हमारे बैठते हैं उसके बाद सामने हम वापस से घर के और देखने लग जाते हैं। और उतनी देर में ये लोग एक नॉक कर देते हैं। अब बारी थी घुसने की क्योंकि एक ही बंदा बचा है, लेकिन बात अब सबसे बड़ी ये है कि भाई वो हार्ड TPP लेने वाला है यहाँ बैठ के। मैं प्रीफर देता हूँ उतनी देर में मेरा टीममेट हील करता है, मैं उसको बोलता हूँ तो घुस जा, मैं फुल कवर दे रहा हूँ पीछे से, और ये घुस जाता है। ये कोई रंडी खा रहा है। और भैया इसको हम इजीली भर देते हैं, उसके बाद इसको लूटम लाट करके और नीचे पड़ा अपना फ्लेयर उठाते हैं, क्योंकि यार देखो उस बंदे ने एमओ 5 उठाया था तो मुझे एमओ इससे लेना ही पड़ेगा। फटाफट मैं सेम उठाता हूँ। उतनी देर में जो है ग्रोजा भी मिल जाते हैं भैया, अब तो मतलब कतई ही जहर अपने पास हो गया था अपना कॉम्बो, और अब जो बचे थे सामने बंदे वो भी आना शुरू कर देते हैं। उतनी देर में मैं आता हूँ यहाँ पे, और एक बंदे को देखो फिर से क्या हेड पड़ता है। तेरे गांड में झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। ये एक का हेडशॉट, अभी एक और पीक लेगा वहां से। दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी।
ये एक और का हेडशॉट भाई यार, ये दोनों हेडशॉट के लिए गाइस देखो एक एक लाइक और सब्सक्राइब तो यार बनता है बनता है, इतना तो कर सकते हो तुम लोग मेरे लिए। अब मैं जाता हूँ सीधा विरुष में और इनको खत्म करने के चक्कर में भैया मैं पिटने वाला हूँ। लेकिन अब टीममेट्स ओपी, इनका काम बचा है, अभी देखो क्या भरते हैं ये लोग उसको जाके। ये आप देख सकते हो इन लोगों ने उसको भर दिया और फटाफट ऐसे ये लोग देते हैं मेरे को रिवाइव और अपन यहाँ से गाड़ी वाड़ी लेके रफू चक्कर हो जाते हैं और आते हैं यहाँ पे ब्रिज की साइड और ऊपर की तरफ अपन जो है गाड़ी लगाते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ पे यूनिक सा, मतलब इतना यूनिक भाई आप बहुत हैरान होने वाले इसको देख के। जैसे यहाँ आते हैं एक बंदा नीचे होता है लेटा हुआ, भैया स्पॉट वो करता है लेकिन एक लास्ट गोली मार के हम उसका किल ले जाते हैं। और अब देखो नीचे भी एक अलग गाड़ी आ चुकी है तो हम जो है गाड़ी वाली लेके आ जाते हैं ब्रिज पे और उतनी देर में जो है एक सामने की तरफ बंदा होता है और नीचे वाले बंदा जो गाड़ी वाले थे मैंने आपको बताया वो उस तरफ से ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं। और ये देखो एक बंदा मैं आपको जो बता रहा था गाड़ी वाला होता है और इसको मैं हेड देने की ट्राई करता हूँ लेकिन लगता नहीं है। मैं इनको बोलता हूँ यार तुम लोग गाड़ी लेके उस पर रश करो, लेकिन उतनी देर में पीछे वाला बंदा भाई उतनी देर में ऊपर आ जाता है और मैं इसको एक हेडशॉट चिपका देता हूँ। अब इनका जान कैंसिल वैंसिल कर देते हैं और क्योंकि यार देखो अगर वो लोग रश करेंगे मेरे को पता नहीं है कितने बंदे हैं वो, लेकिन उतनी देर में जोन भाई आना शुरू हो जाता है, हम स्मोक करके सीधा घुसते हैं सामने वाले बंदे पे। और यहाँ गाड़ियाँ का गचा गचाई हो जाता है पता नहीं कैसे और उतनी देर में भाई सामने से अलग फायर आने लगता है। और अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जो सीन है सामने बंदे अलग है और पीछे वाले बंदे उनके पास ऑब्वियसली बात है ऊपर से तो आने वाले हैं नहीं, तो वो आते हैं नीचे पानी से, पहले इसको बॉडी देते हैं क्योंकि नॉक पड़ा है। और उसके बंदे जो होते हैं ट्रक के अंदर, मैं इसको बताता हूँ यार देखो यहाँ पे पीक रखो, अगर यहाँ से कोई निकलता है उसको रिवाइव देने वास्ते तो उसको पीलेंगे अपन। और ये पानी वाला शॉट देखो प्रेडिक्टेबल वायरल, लेकिन लॉन्डे के लग गया हेड पे और यहाँ तुम्हारा भाई एक और किल स्कोर कर लेता है उसको देके। अब अपन कर रहे थे सामने वाले बंदों पे ओपन रश क्योंकि यार अब करना ही पड़ेगा, रिश कुछ कर नहीं सकते। बॉडी बॉडी नहीं लगता, अब निकालते हैं ग्रोजा भैया क्योंकि क्लोज है, हम सब तो लड़ने बैंचो। और भाई साहब एक भी गोली उसकी हमारी नहीं लगी और हमारी इसको लग गई। उसके बाद अभी बंदे देखो बचे हैं लेकिन उतनी देर में इधर स्मोक होता है, एक बंदा दिखता है उसको देते हैं हेडशॉट। अब स्मोक हो रखा, मैं स्मोक में देखता हूं लेकिन एक और दिखता है वापस से, ये उसको लगता है एक बॉडी और अभी देखो एक और लगेगा हेडशॉट और भैया होते हैं यहाँ पे खत्म। अब देखो किल्स अच्छे खासे हो चुके हैं, अब एक स्क्वाड बचे वो नीचे, लेकिन भाई जोन नहीं है हमारी तरफ तो गारंटी है पिटना हमारा जरूरी है। माँ कसम साले लास्ट जोन में उजी लेके कौन बैठता भाई ये समझना है, लेकिन जोन नहीं होने की वजह से भाई यहाँ पे पिट जाते हैं बुरी तरीके से। लेकिन यार गेम प्ले काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे तो ऐसा लगा, आप लोग को कैसा लगा आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर अच्छा लगा अभी तक अगर देख रहे हो तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को शेयर जरूर कर देना, वीडियो को और ये स्किल्स है हमारे टोटल आपके सामने है। और बस इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।